खबरें विस्तार से। जिला परिषद और पंचायत समिति के पहले चरण के चुनाव के लिए दाखिल हुए नामांकनों की आज जांच हो रही है। वहीं गुरुवार को नामांकन वापस लिए जाएंगे। मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन था, जिसके कारण कलेक्ट्रेट में दिनभर काफी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव के लिए मतदान 16 जनवरी को होगा। जयपुर संवाददाता विवेक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज नामांकनों की जांच हो रही है, कल नाम वापसी का आखिरी दिन है, क्या कुछ जानकारी हुई? तो देखिए, जिस तरह का नामांकन आखिरी दिन था, तो आखिरी दिन जो है चारों पंचायत समिति की ओर से 404 प्रत्याशियों ने करीब 427 नामांकन जो है आखिरी दिन तक दाखिल हुए थे। इनकी आज जो है जाँच की जाएगी और कल नामांकन वापस लेने का जो है 2:30 बजे तक समय दिया गया। इसके बाद में जो है पूरी जो फाइनल सूची जो है वो जारी की जाएगी। शाहपुरा पंचायत समिति के जो है 23 वार्डों के लिए 94 प्रत्याशियों ने 97 जो है नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं दूदू पंचायत समिति के 37 वार्डों के लिए 86 उम्मीदवारों ने जो है 89 नामांकन पत्र दाखिल किए। इसी प्रकार आमेर पंचायत समिति के 23 वार्डों के लिए 64 प्रत्याशियों की ओर से 65 नामांकन दाखिल हुए हैं। वहीं बस्ती पंचायत समिति के 43 वार्डों के लिए 160 प्रत्याशियों ने 176 नामांकन जो है दाखिल किए हैं। तो इस प्रकार जिस तरह जो है दोनों ही पार्टियों की ओर से जो है दूसरे जो प्रत्याशी निर्दलीय खड़े उनको जो है मनाने के लिए मान मनोबल का दौर जो है जारी है और यही प्रयास अब किया जा रहा है कि कैसे भी जो है वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो है चुनाव ना लड़े, जिससे उनको जो है नुकसान ना उठाना पड़े। वहीं जिला कलेक्टर की ओर से जो है चुनाव तैयारियों को लेकर अब जो है समीक्षा बैठकों का दौर जो है जारी है और एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आयोजित कर चुनाव के जो निर्वाचन विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया था। वहीं उनको जो है नियमावली पुस्तिका देकर चुनाव संबंधी नियमों की जानकारी दी गई थी और जल्दी जो है पुलिस विभाग